हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अजंता क्रिएशन। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन। कुछ लोग यह भ्रम फैलाते हैं कि श्री राम एक क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन करते थे। श्री राम का हिरण को मारना, क्या प्रभु श्री राम मांस का सेवन करते थे? इसलिए तो माता सीता ने उन्हें हिरण मार कर लाने के लिए कहा था। यदि वे मांसाहारी नहीं थे तो क्यों माता सीता ने हिरण को लाने की मांग की थी? कुछ लोग यह भी कहते हैं कि माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी, क्योंकि वह उस चमड़े का आसन या वस्त्र बनाना चाहती थी। कुछ लोग यह भी प्रश्न करते हैं कि क्यों माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी और राम भगवान उसे मारने भी चले गए, जबकि धर्म तो यह नहीं सिखाता। यदि ऐसा था तो श्री राम एक मांसाहारी थे? दोस्तों, इस प्रश्न पर आपकी क्या राय है, या आप भगवान राम के विषय में कितना जानते हैं, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने अपना राजपाट और राजसी वस्त्र सभी का त्याग कर वन गमन कर गए थे। उन्होंने सन्यासियों के वस्त्रों को धारण कर लिया था। वे सभी ऋषियों के आश्रम में रहे थे। वहां उन्होंने ध्यान और तप किया। बाद में वे पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्हें किसी मर्ग चर्म की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे शुद्ध सात्विक और तपस्वी वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। आपने कभी देखा है कि किसी कुटिया में किसी ने पशु की खाल लटकाई हो? दूसरा, भारत में मैदानी इलाकों में और दक्षिण भारत में कभी भी पशु चर्म को वस्त्र बनाकर पहनने का प्रचलन नहीं रहा। पशु चर्म को कपड़ा के समान प्रयोग करने वाला चलन केवल बहुत ठंडे या बर्फीले इलाकों में किया जाता था। आपने शिवजी के चित्र ऐसी वेशभूषा में देखा होगा, लेकिन कोई भी वैष्णवी चर्म का प्रयोग नहीं करता। असलियत यह है कि माता सीता ने श्री राम से हिरण को मारकर लाने के लिए कहा ही नहीं था, बल्कि उसे पकड़ कर लाने के लिए कहा था। सुनहरी हिरण के बच्चे को देखकर जंगल में अकेलेपन को दूर करने के लिए माता सीता ने श्री राम से उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। प्रभु राम ने उस समय माता सीता को समझाने का बहुत प्रयास किया कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, इसलिए ये हट छोड़ दें। किंतु तब सीता माता बोली कि ठीक है, जब तक उसकी माँ नहीं आती तब तक मैं उसे अपने पास रख सकती हूँ। ऐसे में हार कर प्रभु श्री राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे दौड़ चलते हैं। तब दौड़ते हुए हिरण एकदम से कभी दिखाई देता और कभी गायब हो जाता, तो प्रभु श्री राम समझ गए कि यह कोई मायावी है। यही सोचकर उन्होंने तीर निकाला और उसका वध कर दिया। क्योंकि प्रभु श्री राम विष्णु के लीला अवतार थे, इसलिए पहली नजर में ही उस मायावी राक्षस को देखने के बाद भी सामान्य पुरुष की भांति जब तक उसने अपनी माया नहीं दिखाई तब तक उसे एक छोटा सा हिरण ही समझते रहे और सीता की बात मानकर उसके पीछे दौड़ पड़े। वे सब कुछ जानते थे, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करते तो आगे की लीला नहीं होती। अतः प्रभु राम का आकलन मानवीय दृष्टिकोण से करना त्रुटिपूर्ण है। प्रभु श्री राम क्षत्रिय थे और वे मांस खाते थे, इसका जवाब रामायण में कहीं भी नहीं मिलता। श्री राम ने मांसाहार सेवन के बारे में
नहीं लिखा। हर जगह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के द्वारा कंदमूल खाए जाने का जिक्र मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने वनवास पर जाते समय आहार विषयक प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी मांस का सेवन नहीं करेंगे और वनवास के समय में सिर्फ फल और कंदमूल खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये कही अनकही बातें कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।